हेलो लर्नर्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको क्राउट्स मेथड के बारे में बताने जा रही हूँ, जो एक डायरेक्ट मेथड होती है, यानी कि मैट्रिसेस के थ्रू सॉल्व होती है फॉर सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर सिस्टम ऑफ एल्जेब्रिक इक्वेशंस। इससे पहले हम गॉस एलिमिनेशन मेथड और गॉस जॉर्डन मेथड को से इस तरह के सिस्टम्स को सॉल्व करने का प्रोसेस देख चुके हैं, तो आप उसके लिए मेरे पिछले वीडियोज़ को रेफ़र कर सकते हैं। क्राउट्स मेथड का जो मेनली स्ट्रक्चर है, उसमें आपको जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा उसको आपको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है और इसके अंदर जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगा A11, A12, A13, A22, A23 and A31, A32, A33, इस तरह का जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगा उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट पिवट एलिमेंट, इट विल बी नॉट इक्वल टू 0। जो इसका फर्स्ट जो माइनर है A11, A12, A21, A22, यानी कि ये इट इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0 एंड कंप्लीट डिटर्मिनेंट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। अगर ये है तो हम इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, बट यूजुअली नाम से आती है तो जिन क्वेश्चंस में एप्लीकेबल होती है वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है उसको हम AX = B से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पर A कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को डिनोट कर रहा है, X अननोन्स का मैट्रिक्स है और ये कॉलम मैट्रिक्स को डिनोट कर रहा है, तो X को हम XYZ ऐसे लिख सकते हैं। B मैट्रिक्स B1, B2, B3 को डिनोट कर रहा है, ये कॉन्स्टेंट्स का एक मैट्रिक्स है और A ऑब्वियसली कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स है। हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है यहाँ पर मैथड को मेथड के लिए वो है कि हम A मैट्रिक्स जो है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, इसको दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। इट इज़ L × U, वेयर L इज़ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड U इज़ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। L का जो मैट्रिक्स का फॉर्मेशन रहेगा उसका प्रिंसिपल डायगोनल 1 रहेगा, क्योंकि ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो इसके ये जो एलिमेंट्स हैं बस इसी पोर्शन में एलिमेंट्स रहेंगे, बाकी बचे हुए एलिमेंट्स की जगह पे हमें 0 लिखना है। और डायगोनल इज़ 1, जो पोजीशन है जैसे यहाँ पे A21 होता है, हम लोअर ट्रायंगुलर में उसको L21 से डिनोट कर रहे हैं, A31 के प्लेस पे L31 और यहाँ पे L32 लिख रहे हैं, तो ये लोअर ट्रायंगुलर हमने डिफाइन कर दिया। ऐसे ही एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा जिसमें अपर ट्रायंगल में एलिमेंट्स हैं और लोअर पोर्शन में रिमेनिंग एलिमेंट्स सारे 0 हैं, और इन्हें भी नेमिंग हमने अपर ट्रायंगुलर का U ले लिया है और ये U11, U12, U13 पोजीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखे हैं, U22, U23 एंड U33। अब हमें इन दोनों का प्रोडक्ट करके राइट हैंड साइड को लिखना होता है और कंपेयर करना होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इसके लिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपका सॉलिड होना चाहिए। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में अगर गलती हो गई तो क्राउट्स मेथड करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो जो A मैट्रिक्स है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, उसको हमने L मैट्रिक्स × U मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लिया। अब इसे हम प्रोडक्ट करके लिख ले रहे हैं। प्रोडक्ट का रूल है कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं फर्स्ट रो के, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन रूल है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई होती है, तो 1 × U11, 0 × 0 एंड 0 × 0 इनका सम हो जाएगा। दो एलिमेंट तो 0 ही हैं इसलिए हमें केवल U11 मिल जाएगा। तो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम 1, 1 वाली पोजीशन है, इसलिए फिर फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, तो हमें ये वाली एलिमेंट मिलेगा। तो फर्स्ट रो में बाकी दो एंट्रीज तो 0 ही है, तो हमें इस कॉलम से मल्टीप्लाई करने पे U12 ही मिलेगा, बाकी दोनों एंट्री 0 हो जाएंगी। फिर अगेन फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें U13 मिल जाएगा, बाकी एंट्रीज 0, तो प्लस में सब 0 हैं, इस कारण हमारे पास U11, U12 और U13 मिला है प्रोडक्ट का पहला रो। अब हम सेकेंड रो और फर्स्ट मैट्रिक्स × फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम रेस्पेक्टिवली। ऐसा करेंगे तो यहाँ से L21 U11 और बाकी दोनों एलिमेंट यहाँ पे ज़ीरो हैं, इस कारण इनके प्रोडक्ट से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए L21 U11 ये इसका रिजल्ट होगा। अब इसी रो को हम इस सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ L21 U12 हो जाएगा और प्लस में इस 1 के साथ U22 मल्टीप्लाई होगा तो L21 U12 प्लस U22 ये आपको वैल्यू मिल जाएगी। अब सेकेंड रो के साथ थर्ड कॉलम आएगा, थर्ड कॉलम में थर्ड एलिमेंट ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है इस कारण से ज़ीरो हो जाएगा, बट दो एलिमेंट मिलेंगे L21 U13 प्लस 1 इंटू U23 तो L21 U13 प्लस U23 ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब बचा है थर्ड रो, तो ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम से, सेकेंड कॉलम से और थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा और हमें ये तीन पोजीशंस पे रिज़ल्ट मिलेंगे। तो जैसे ही हम फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम करेंगे तो यहाँ से L31 U11 मिलेगा, बाकी दोनों एंट्रीज ज़ीरो हो जाएंगी तो L31 U11। इसके बाद हम थर्ड रो और यहाँ से सेकेंड कॉलम ले लेंगे तो L31 U12 से मल्टीप्लाई होगा तो L31 U12 आ गया प्लस L32 U22 तो L32 U22 आ गया और थर्ड तो 1 इंटू ज़ीरो है इसलिए प्लस में ज़ीरो आ गया। अब यहाँ पे थर्ड रो और इसका थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई होंगे तो L31 U13 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो L31 U13 आ गया प्लस L32 U23 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में L32 U23 आ गया, फिर प्लस 1 इंटू U33 तो U33 आ गया। तो फाइनली हमने ये राइट हैंड साइड में लिख लिया है जो प्रोडक्ट ऑफ लोअर एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस है। अब इसे हमें फाइंड करना है क्योंकि हमें मैट्रिक्स ए गिवन है, हमें ये एल और यू गिवन नहीं है, इसे हमें फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करने के लिए कंपेयर करेंगे दोनों मैट्रिक्स दोनों इक्वल हैं, डायमेंशन इक्वल है इनके, तो कंपैरिजन में क्या होगा, ये एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस से ये एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर, ये एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर। तो जो भी क्वेश्चन में एलिमेंट्स गिवन होंगे उनकी डायरेक्ट वैल्यूज़ यहाँ पे मिल जाएंगी, पर इसके ऑर्डर का हमें स्पेशली ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम इसका ये ऑर्डर तो रो वाइज रहेगा, मतलब फर्स्ट एलिमेंट हम ये फाइंड करेंगे, सेकेंड और थर्ड, उसके बाद हमें फोर्थ प्लेस पे इस एलिमेंट को फाइंड करना है क्योंकि हमें U11 नोन है यहाँ पे तो L21 निकाला जा सकता है। अगर हम आगे किसी एलिमेंट पे जाएंगे तो वो फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, फिर हमें इस एलिमेंट को फाइंड करना होता है, इसके थ्रू हमें L31 मिल जाएगा। तो एक तरह से अप्रोच ये रहेगा, पहले हम फर्स्ट रो सॉल्व कर लेंगे R1, उसके बाद फर्स्ट कॉलम सॉल्व कर लेंगे, ये पहले पोजीशन पर रहेगा, फिर ये दूसरे पोजीशन पर, उसके बाद फिर हम यहाँ फिफ्थ एलिमेंट इसको फाइंड करेंगे, फिर सिक्स्थ इसको फाइंड करेंगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, बचे हुए एलिमेंट्स के लिए R2 कर रहे हैं, ये तीसरे नंबर पे करेंगे और फिर वापस से हम नीचे का एलिमेंट फाइंड करेंगे, यानी इस वाले से जो भी एलिमेंट की वैल्यू निकल के आएगी L32 निकलेगा उसको फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पर कॉलम 2 का रिमेनिंग एलिमेंट हम फाइंड आउट करेंगे तो ये फोर्थ प्लेस पे आएगा। अब जैसे याद रखना चाहें, इस अप्रोच से याद रखना चाहें या ऐसे नंबरिंग से याद रखना चाहें, और ये हो गए 1 2 3 4 5 6, ये 6 आएगा, ये 6 7, ये 8 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, टोटल 9 एलिमेंट्स हैं। ये नंबरिंग यहाँ पे रिपीट हो गया था तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 तो लास्ट में हम लास्ट एलिमेंट को फाइंड कर लेंगे। तो इस तरह से हम इस अप्रोच से फाइंड आउट कर लेंगे सारी वैल्यूज़। जब सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दोनों नोन मैट्रिसेस हो जाएंगे। तो हमारा जो स्टेप 1 रहेगा सॉल्यूशन का, उसमें हमें एल और यू फाइंड करने होते हैं, जो हमने प्रोसेस देख लिया कैसे फाइंड करेंगे। दूसरा स्टेप होता है कि एल और बी ये मैट्रिक्स हम इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ मैंने ऊपर प्रोसेस लिखा हुआ है। ये ए को अगर हम एल यू लिखते हैं तो हमारे पास होता है ए एक्स इज इक्वल टू बी, इसके अंदर हम ए को एल यू कर देते हैं तो ये हो जाता है एल यू इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। और इसमें यू एक्स जो है इसको अगर हम कंसीडर कर लेते हैं वी, तो यहाँ हो जाएगा एल इंटू वी इज इक्वल टू बी। अब हम जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें एल वी इज इक्वल टू बी में हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नोन है और बी मैट्रिक्स नोन है, तो वी कॉलम मैट्रिक्स होगा v1 v2 v3। तो इस तरह का जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स के थ्रू हम एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिख सकते हैं। एल और बी नोन मैट्रिक्स हैं और एल वी इज इक्वल टू बी से हम v फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे हमें v मिल जाएगा, अब हमारे पास u ऑलरेडी नोन है और v हमें मिल चुका है, तो u और v को यूज़ करते हुए हम यू एक्स इज इक्वल टू वी वाला इक्वेशन जो ऊपर अभी मैंने लिखा था, ये यू एक्स इज इक्वल टू वी, इसके अंदर x की वैल्यू, x कॉलम मैट्रिक्स है, अगेन x इज इक्वल टू अननोन्स का मैट्रिक्स है यहाँ पर x y एंड z, इस तरह का। तो हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। अगर हम इसको फाइंड आउट कर सके तो फाइनली यही रिजल्ट है हमारे क्वेश्चन का, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का। ठीक है, अब मैं क्राउट्स मेथड पे बेस्ड एक क्वेश्चन लेने जा रही हूँ। एंड दिस क्वेश्चन इज 10x + y + z = 12, 2x + 10y + z = 13, 2x + 2y + 10z = 15। यहाँ पर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हम लिख लेते हैं और मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स लिख लेते हैं। यहाँ से 10, 1, 1, 2, 10, 1 and 2, 2, 10, ये हमने मैट्रिक्स लिख लिया। इट इज़ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स फॉर दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। और बी मैट्रिक्स में 12, 13 and 15 आ जाएगा। ये कॉन्स्टेंट्स का मैट्रिक्स हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हमें कंसीडर करना है कि ए इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ अ लोअर ट्रायंगुलर एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ए के कोएफिशिएंट को हमने लिख लिया है अकॉर्डिंग टू रूल a1, 1, 1, 2 and 1, 3, इस तरह से हमने इसको रो वाइज पूरा अरेंज करके लिखा हुआ है, जैसा मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको मेथड के अंदर। अब यहाँ पर एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसका प्रिंसिपल डायगोनल 1 है और एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमने ले लिए हैं। प्रोडक्ट का फॉर्मेशन एज मैथड रहेगा, तो ये हमने अकॉर्डिंग टू मैथड लिख लिया है। सारा जो प्रोडक्ट करना है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके आपको इसको लिख लेना है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में हमारे पास है 10, 1, 1, तो मैं इसके प्लेस पे लिख लेती हूँ 10, 1, 1, देन 2, 10, 1, 2, 10, 1 एंड 2, 2, 10 इज इक्वल टू u11, u12, u13 एंड सो ऑन। ये जितना भी है ये एज इट इज रहेगा। अब हम कंपेयर करते जाएंगे। a11 की वैल्यू है u11, सो u11 इज इक्वल टू 10 यहाँ से, u12, इसको नंबरिंग भी कर देती हूँ, ये फर्स्ट प्लेस पे रहेगा, ये सेकंड प्लेस पे, u12 इज़ 1, थर्ड प्लेस पे u13 इज इक्वल टू 1। अब फोर्थ प्लेस पे हम इस एलिमेंट को निकालेंगे, ये 1, 2, 3, यहाँ से ये 4, 5, देन ये 6, 7, 8 and 9, इस तरह से हम इस ऑर्डर में फाइंड आउट करेंगे। तो फोर्थ नंबर पे हमारा जो एलिमेंट आएगा L21 U11 आएगा, इज इक्वल टू, यहाँ से देख लेंगे इसकी वैल्यू है 2, तो इट इम्प्लाइज दैट L21 is equal to 2 upon U11 is equal to 2 upon 10, that is 1 upon 5. तो हमारे पास L21 की वैल्यू आ गई है 1/5. फिफ्थ प्लेस पे है L31 U11 एंड इस पोजीशन को हम यहाँ से देख लेंगे, ये A31 वाली पोजीशन है, मतलब कि इसकी वैल्यू है 2. तो इससे हम L31 की वैल्यू निकाल लेंगे. L31 इज इक्वल टू 2 अपॉन U11 दैट इज़ 2/10 इज इक्वल टू 1/5. तो दोनों वैल्यूज़ हमारी 1/5 आ गई, L21 की और L31 की. अब नेक्स्ट जो हमें फाइंड करना है वो पोजीशन है L21 U12 प्लस U22. इस ऑर्डर में अगर हम फाइंड करते हैं तो आसानी से सारी वैल्यूज़ रेडीली अवेलेबल हो जाती है, जो वैल्यूज़ नोन है वो आपको मिलती जाती है. ये A22 पोजीशन को शो कर रहा है, यानी कि 10 इज इक्वल टू. अब L21 हमारे पास नोन है तो इसको लिख लेंगे 1/5 इंटू U12. तो U12 अभी 1 है, फ्रॉम 2 इट इज़ 1 प्लस U22 ये फाइंड आउट करना है इज इक्वल टू 10. इट एम्प्लाइज दैट 1/5 U12 की वैल्यू 1 रख लेंगे प्लस U22 इज इक्वल टू 10 और साइड चेंज कर लेंगे तो 10 - 1/5 इसकी वैल्यू आ जाएगी 49/5. तो हम U22 फाइंड आउट कर चुके हैं. अब नेक्स्ट हमें U23 फाइंड आउट करना है. अब 7th पोजीशन पे है L21 U13 प्लस U23 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेंगे, ये रहा L21 U13 प्लस U23. ये इस पोजीशन पे है, सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट, तो सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट 1 है तो इसे हम 1 लिख लेंगे एंड सिंप्लीफाई करेंगे. तो L21 की वैल्यू हमारे पास है 1/5, U13 की वैल्यू है 1 प्लस U23 इज इक्वल टू 1. अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो U23 की वैल्यू आएगी, साइड चेंज किया, 1 - 1/5 दैट इज 4/5. नेक्स्ट 8th पोजीशन है, तो 8th पोजीशन पे हमारे पास है L31 U12 प्लस L32 U22. L31 U12 प्लस L32 U22 इज इक्वल टू, इस पोजीशन पे हमारे पास 2 है तो इसको 2 लिख लेंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमें L32 मिल जाएगा एंड इट इज़ 9/49. ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास अवेलेबल हैं, केवल ऊपर से हमें इसमें इंसर्ट करनी है वैल्यूज़. अब लास्ट वाला है, तो लास्ट वैल्यू है L31 U13 प्लस L32 U23 प्लस U33 और इसकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 है, ये 10 वैल्यू है तो इसको नोट डाउन कर लेंगे. L31 U13 प्लस L32 U23 प्लस U33 इज इक्वल टू 10 और फिर इसमें वैल्यूज़ इंसर्ट कर लेंगे. L31 It is 1 by 5, U13 is 1, L32 9 by 49, U23 is 4 by 5 plus U33 is equal to 10 और फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें U33 की वैल्यू मिल जा रही है. इट इज़ 473 अपॉन 49. तो इस तरह से हमने लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दोनों को फाइंड कर लिया है. अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है इसको हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू वैल्यूज़ जो हमने अभी फाइंड आउट की है 1 0 0 1 by 5 1 0 1 by 5 9 upon 49 1 डायगोनल तो इसमें 1 ही था और ये वैल्यूज़ जो हमने फाइंड आउट किए 1 by 5 है 9 by 49 और हमें U मिला है. U मैट्रिक्स भी नोट डाउन कर लेंगे. इसमें U11 12 और 13 ये तो जो क्वेश्चन में थे वही है तो 10 1 एंड 1 ये वैल्यू वैसी लिख ली. फिर 0 49 by 5 एंड 4 by 5 एंड लास्ट रो में दोनों 0 थे और फिर U33 की वैल्यू 473 by 49. तो इस तरह से हमने L और U फाइंड कर लिए. ये स्टेप 1 कंप्लीट हुआ यहाँ पर. अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में A जो मैट्रिक्स था पहले हमने उसको LU मान लिया था. अब LU x इज इक्वल टू वी जो है LU x इज इक्वल टू बी उसमें हमने UX को V माना है तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड स्टेप हम लिखेंगे LV इज इक्वल टू बी. स्टेप में आपको मेथड में डिस्क्राइब कर ही चुकी हूँ. तो LV इज इक्वल टू बी बी नोन है L नोन है तो हम V फाइंड आउट कर सकते हैं और इट विल इम्प्लाई L. L मैट्रिक्स लिख लेंगे 1 0 0 1 बाय 5 1 0 1 बाय 5 9 upon 49 and 1 into V कॉलम मैट्रिक्स रहेगा V1 V2 V3 and B मैट्रिक्स जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है 12 13 and 14 तो 12 13 14. अब ये एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को शो कर रहा है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन फॉर्म में लिखा जा सकता है तो V1 प्लस 0 V2 प्लस 0 V3 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपको V1 मिलेगा. तो इससे मिल रहा है V1 इज इक्वल टू 12. ये सीधे सीधे मिल गया. अब जो दूसरा इक्वेशन रहेगा वो 1 बाय 5 V1 यानी कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा तो 1 बाय 5 V1 आएगा प्लस 1 इंटू V2 आएगा और जो थर्ड है वो 0 इंटू V3 हो जाएगा इसलिए 0 हो गया तो इट इज़ इक्वल टू 13. तो एक वैल्यू तो हमारे पास ये V1 की आ चुकी है. इस V1 की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे तो ये 12 बाय 5 हो जाएगा और साइड चेंज होकर हमें V2 की वैल्यू प्रोवाइड करेगा. V2 इज इक्वल टू 13 माइनस 12 बाय 5 और इससे हमें V2 की वैल्यू मिल जा रही है. इट इज़ 53 अपॉन 5. इस तरह से दो वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली. अब तीसरा जो इक्वेशन है वो इससे आएगा थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम यानी कि 1 बाय 5 V1 प्लस 9 अपॉन 49 V2 प्लस V3 इज इक्वल टू 14. अब यहाँ पर 1/5 V1 की जो वैल्यू है 12 रख देंगे, प्लस 9/49 V2 की वैल्यू पुट कर देंगे 53/5, प्लस V3 इज इक्वल टू 14 और इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा V3 इट इज़ इक्वल टू 473/49। तो अब जो V मैट्रिक्स है वो एक नॉन मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। तो अब जो हमारे पास बचेगा वो केवल लास्ट स्टेप बचेगा। V मैट्रिक्स को मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर, V इज इक्वल टू V1 V2 की वैल्यू 53/5 है एंड V3 473/49। तो इस तरह से हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं V मैट्रिक्स की। अब हमारा लास्ट स्टेप बचा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इट इज UX इज इक्वल टू V। तो इससे हमें X मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। तो नाउ फाइंडिंग UX इज इक्वल टू V और U मैट्रिक्स नोन है, V मैट्रिक्स नोन है, तो हम X मैट्रिक्स को फाइंड आउट कर लेंगे। तो U मैट्रिक्स है 10 1 1 0 49/5 एंड 4/5 0 0 473/49 इंटू X मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं अननोन्स का मैट्रिक्स XYZ कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया, इज इक्वल टू जो V मैट्रिक्स है उसकी वैल्यूज 12 53/5 एंड 473/49। अब इस तरह से हमारे पास एक और सिस्टम ऑफ इक्वेशन मिल गया है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 12। सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट कोएफिशिएंट 0 है तो 0x प्लस यहाँ से सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम है तो 0x 49/5 y प्लस 4/5 z इज इक्वल टू 53/5। फिर हम ये 0 0 है दोनों तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम जैसे ही करेंगे तो 0x प्लस 0y प्लस 473/49 z इज इक्वल टू 473/49। इस तरह से आ जाएगा और इस सिस्टम में हम बैक सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे तो हमें सबसे पहले z की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से 1, फिर हम इस वैल्यू को सेकेंड लास्ट इक्वेशन में पुट कर लेंगे तो उसको सॉल्व करने से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, इट विल इम्प्लाई y इज इक्वल टू 1 और फिर हम इन दोनों वैल्यूज़ को पहले इक्वेशन में पुट कर देंगे और इससे हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू 1। देन आंसर हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू 1 1 1 और x y z ऑल आर 1। आई होप आपको मेथड समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।